हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकता होम फूड्स। आज हम कुछ एक्जॉटिक सा बनाएंगे। हमेशा नॉर्थ इंडियन खाना बनाते हैं, देसी खाना बनाते हैं, तो आज कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं। आज हम बनाएंगे स्वीट एंड सार। तो स्वीट एंड सार एक तरह से सूप के जैसे भी काम करता है, और अगर नूडल्स के साथ खाना हो आप नूडल्स के साथ खा सकते हैं, पास्ता के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हमको चाहिए होंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल सी सब्जियां हैं जो देख के ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। और ये कुछ सॉसेस और कॉर्नफ्लावर और ये सब कुछ कुछ है जो कि हम इसमें डालेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना कि हमने क्या यूज़ किया है। मीनवाइल मैं ये एक बार पहले पानी बॉयल करने रख देती हूँ, क्योंकि हमको पानी बॉयल चाहिए सब्जियों के लिए। तो फिर मैं आपको सारा सामान बताती हूँ ताकि मैं टाइम हम कंज्यूम करेंगे प्रॉपरली। सो ये पैन जो है मैं चढ़ा के इसके ऊपर, और हम इसमें करीबन 800 ml पानी हम इसमें डाल देंगे। मतलब इट कैन कंज्यूम 800 टू 1 लीटर ऑफ वाटर। सो मैं इसमें काफी सारा पानी डाल देती हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम डाल देंगे। तो मैंने ये जो हाफ लीटर का मग है ये ऑलमोस्ट 1 and another 3/4 कप हमने इसको डाल दिया, और इसको हमने बॉइल होने रख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन सी सब्जियां और चीजें ली है। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये है बेबी कॉर्न, वो कट कर लिए हैं। 4 मैंने बीन्स कट कर लिए इसमें, और ये गार्लिक है, मैंने 8-10 कलियां गार्लिक की हैं जो मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है उनको। ये मैंने गाजर ली है, एक आधी गाजर छोटी वाली हमने छोटी छोटी कट कर ली है। ये एक मीडियम साइज की कैप्सिकम है जो मैंने छोटा छोटा कट कर ली है। साथ में ये रेड कैप्सिकम भी है जो मैंने छोटी छोटी कट कर ली है, ये थोड़ी सी थी। और ये गोभी के फूल हैं जो मैंने 2 फूल इतने बड़े बड़े से होंगे जो कि छोटे छोटे कट कर लिए मैंने, थोड़ी सी गोभी लेकर। और ये धनिया है हमारे पास, ये ब्रोकली है थोड़ी सी जिसको मैंने कट कर लिया है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी मैंने यूज किया। और ये हरी मिर्ची है छोटी छोटी कट कर ली है मैंने 2। और ये कैबेज है, कैबेज थोड़ी मैंने ज्यादा लिया क्योंकि कैबेज श्रिंक होके बहुत थोड़ी हो जाती है। तो ये सब आइटम जो है सब्जियां, इसमें आप और भी जो सब्जियां ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें मटर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको दूसरी कोई भी वेजिटेबल्स जुकिनी ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपको सब्जी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रोकली हमने डाल ही दी है, ऑलिव डाल सकते हैं इसमें, कॉर्न डाल सकते हैं इसमें हम, अमेरिकन कॉर्न, भुट्टा जो होता है दूसरा वाला ये तो हमने डाला, ये छोटा वाला बड़े वाले के भी जो ऊपर से श्रेड करके दाने वो भी हम डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमको चाहिए होगा इसमें टोमेटो सॉस। तो ये जो मेरे पास चम्मच हमेशा मैं यूज करती हूँ, ये 2-3 चम्मच मैंने ये टोमेटो सॉस ले लिए, मतलब कि एक बड़ा चम्मच भर के टोमेटो सॉस। और यही एक चम्मच मैंने सोया सॉस ले लिए, थोड़ी सी ली है सोया सॉस। और यही 2 चम्मच जो है मैंने विनेगर ले लिया है, और ये कॉर्नफ्लोर है, ये 2 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया जिसको कि हम पानी डाल के यूज करेंगे। और साथ ही हमने लिए ये ब्लैक पेपर थोड़ी सी मैंने ली है, मतलब कि 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, क्योंकि हरी मिर्ची और काली मिर्ची इन दोनों से ही इसका तीखापन आएगा, और ब्लैक पेपर जो है स्वीट एंड सार में इन सब चीज़ों में टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। साथ ही हमने जो इसके साथ ली है ये चीनी ली है मैंने, एक यही वाला 1.5 चम्मच कुछ करीबन चीनी ली है। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, तो ये हमने लिया है। और साथ में मैंने लिया है अदरक। अदरक अगर आपके पास फ्रेश है तो आप अदरक का 1/2 इंच का टुकड़ा ग्रेट करके बारीक वाले से ले सकते हैं, और नहीं तो यही चम्मच से मैं इसको 1/2 चम्मच जिंजर इसमें डालूंगी। और सॉल्ट जो है हमको चाहिए इसमें, आप दूसरा सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, जो दूसरा वाला सॉल्ट यूज होता है नूडल्स वगैरह में, पर वो मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि बेटर वी यूज नॉर्मल सॉल्ट ओनली। तो वो मुझे मतलब आई प्रेफर यूजिंग नॉर्मल सॉल्ट या फिर सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट या कुछ भी। तो ये सब आइटम जो है हमको चाहिए होगा स्वीट एंड सार बनाने के लिए। तो ये पानी हमारा गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म होने में मैं इसके साथ साथ पानी के साथ साथ डाल देती हूँ ये सब्जियां। थोड़ा सा मैं इधर करती हूँ सो दैट यू कैन सी। इसी में हमने सब चीजें डाल देनी है। सी देयर इज नो ऑयल, आई हैव नॉट यूज्ड एनी अमाउंट ऑफ ऑयल इन दिस डिश, सो एवरीथिंग इज जस्ट विदाउट ऑयल। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब हम इसमें डाल देंगे, सारी सब्जियां। जस्ट वी जस्ट हैव टू शिफ्ट ऑल द वेजिटेबल्स टू दिस पैन।
पैन जो है इसमें आप बड़ा पैन लीजिए हमेशा, ताकि खूब सारा बॉईल होने के लिए जगह मिले आपको, तो ये सारी सब्जियां जो है रख सकते हैं। और अगर आप कंजूसी करें तो इसमें से थोड़ी थोड़ी सब्जियां बचा सकते हैं, ताकि अगर आपको नूडल्स बनाने हो इसके साथ तो आप वो भी नूडल्स भी साथ साथ ही इन्हीं सब्जियों से बना सकते हैं। ये सब्जियां जो है ये सारी मैंने काट के धो के इस्तेमाल की है, कोई भी सब्जी बिना धुली हुई नहीं है। धोना बहुत जरूरी है इन सब्जियों को, नहीं तो सारी मिट्टी मिट्टी आएगी तो सारा टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। ये सब चीजें हमने इसमें डाल दिया और अब इसको हम बॉईल होने देंगे। देख रहे हैं आप कि सारा सामान मैंने इसमें डाल दिया है, बस बचा है हमारे पास ये सोया सॉस, विनेगर, ये सब चीजें हमारे पास बच गई हैं। बाकी सब चीजें हमने इसी में डाल दी हैं और ये अदरक भी जो है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये चीनी और ब्लैक पेपर हम थोड़ा बाद में डालेंगे, अदरक जो है ड्राइड अदरक जो मेरे पास है उसमें ये जो मैंने आपको बताया ये हाफ स्पून जो है ये मैं अदरक इसमें डाल दूंगी। और थोड़ा सा हम इसको हिला देंगे और इसको अब बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ये चीजें हम बाद में डालेंगे। सॉल्ट भी हमने डालना है, वो भी मैं डाल ही देती हूँ। तो ये जो सॉल्ट है ये भी आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, बिकॉज हम इसमें सॉसेस वगैरह डालेंगे, सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट द सॉल्ट। वी कैन एड इट लेटर इफ वी वॉन्ट। लेट इट बॉइल फॉर अबाउट मे बी 8 to 10 minutes नाइसली। इट हैज टू बॉइल सो दैट द वेजिटेबल्स आर कुक्ड, पूरी अच्छे से सब्जियां जो है कुक हो जाएंगी, उसके बाद बाकी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम रख देते हैं बॉइल होने के लिए। ये ऑलमोस्ट देखिए 10 minutes हो गए इसको बॉइल होते हुए, तो इसकी सारी सब्जियां पक गई हैं। तो अभी जो है हम इसमें ये जो मैंने शुगर और ब्लैक पेपर लिया था ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसमें मैं ये धनिया भी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा ये भी कुक हो जाएगा। और ये जो विनेगर है मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, प्लस जो मैंने सोया सॉस ली थी वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है, और साथ ही में हम इसमें ये जो टोमेटो सॉस है ये भी हम ऐड कर देंगे, टोमेटो सॉस भी हमने इसमें डाल देनी है। और नमक आप टेस्ट कर लीजिए इसके बाद में कि कितना कम ज्यादा है, तो आप नमक जो है इसमें और ऐड कर सकते हैं, इनकेस आपको ये लग रहा हो कि नमक इसमें कम है। ये करछी मैंने दूसरी ली है अभी, क्योंकि अभी हमको ऐसी वाली करछी चाहिए। तो ये डाल के जो है हम एक बार इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं मिक्स करके, ताकि हमें कुछ और मीठा या विनेगर या सॉल्ट कुछ जरूरत हो तो वो एक बार चेक कर लेंगे हम। नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे, और डालने की हमको जरूरत नहीं है। और ये बॉईल हो रहा है, साथ ही में हमने जो ये कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ही डाल सकते हैं हम पानी, और उसको चम्मच से मिक्स करके कॉर्नफ्लोर को इस तरीके से। और ये बॉईल होती हुई ये जो स्वीट एंड सार में हम इसको ऐड कर देंगे और तुरंत हिला देंगे। तो ये जो है इससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, हल्का सा जो पीने लायक कंसिस्टेंसी, मतलब खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं, जिसे करते हैं ना हम, खाइए पीजिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि अगर आपको नूडल्स के साथ खाना है जैसा कि मैंने बताया, या राइस के साथ खाना है। वैसे मैं तो इसको सिर्फ सूप की तरह पीती हूँ, क्योंकि ये एक डाइट फूड है एंड इट इज रियली वेरी टेस्टी, और अच्छा लगता है जब आपको डाइट कर रहे हो और इतनी सारी वेजिटेबल्स एक साथ आप डालें और उसमें ये सॉसेस डालें, देर इज नो ऑयल एट ऑल, तो इट टेस्ट वेरी गुड एंड यू गेट सेटिस्फाइड दैट यू हैड अ गुड फूड। मतलब अच्छा खा रहे हो, अच्छी वेजिटेबल्स खा रहे हो और कोई ऑयल ही नहीं आप खा रहे हो, तो आपको अच्छा लगता है कि आपने ये अच्छा खाना खाया। तो स्वीट एंड सार जो है इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप डाइट कर रहे हो, और बच्चों को अगर सूप पसंद है तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, मिक्स वेजिटेबल्स पूरी डाल के इसका सूप बनाना। तो बस ये देखिए फुल रेडी हो गया है ये सूप, और अब मैं इसको बोल में डाल के आपको दिखाती हूँ कितना इंटरेस्टिंग और टेम्प्टिंग लगता है ये। ये सूप हमारा बनके देखिए रेडी हो गया है, और बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो आप भी ये सूप बनाइए, और डाइट कर रहे हैं घर में बच्चे लोग ज्यादातर आजकल बहुत सारी डाइट वाइट करते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड डिश टू मेक फॉर द चिल्ड्रन हु आर डाइटिंग एंड हु लव्स टू ईट गुड फूड। तो आप भी ये सूप बनाइए और खाइए, और फिर मुझे बताइए कि आपको ये इजी झटपट सी नो ऑयल वाली रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल पे बनी रहिए। थैंक यू वेरी मच।